हे गाइस, दिस इज सानवी हियर। आप लोगों ने मुझे मिस करा था, मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस करा था। सॉरी इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अब तो मेरे एग्जाम्स खत्म और वेकेशन शुरू, तो आज मैं बहुत और आज कौन सा फेस्टिवल है मुझे तो याद नहीं है, आप लोगों को पता है? हाँ, आज तो लोहड़ी है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी के दिन मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं बहुत टेस्टी चीज बनाने वाली हूँ मीठे में, वो है तिल के लड्डू, बहुत यम्मी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको चाहिए होगा इसके लिए 1 स्पून घी, 2 स्पून कोपरा पाउडर एंड 1 बाउल तिल एंड जैगरी। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमको एक पैन चाहिए होगा, उसमें हम डालेंगे तिल। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो वी विल रोस्ट इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। और हाँ, इसको ना ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना, नहीं तो फिर इसका ना जो तिल है ना कड़वा कड़वा हो जाएगा और आपके लड्डू कड़वे बनेंगे। मुझे कुकिंग में बहुत मज़ा आता है, वो मेरी फर्स्ट हॉबी है। और 1 मिनट के बाद हम लोग गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। हाँ गाइस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको ना हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जल भी सकता है। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। आई थिंक अब हमारा तिल रेडी हो गया क्योंकि इसमें क्रंच की आवाज आ रही है। और आपको पता है झटपट लड्डू सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है और सुपर हेल्दी भी। तो आई थिंक अभी रेडी तो हो गया है, पर ये खतरनाक हो सकता है, तो मैं अपनी मम्मा को बुला सकती हूँ कि इस बाउल में ट्रांसफर कर दो। मम्मा प्लीज, कैन यू कम? श्योर, 1 मिनट। तो थैंक यू मम्मा, आपने मेरी हेल्प कर दी डालने में। और हाँ गाइस, अब हम 1 स्पून घी लेंगे और जैगरी डालकर फिर उसको फ्लेम पर पकाएंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए। हाँ, जब हम घी डाल देंगे तो ना हम उसको मेल्ट, जब वो जल्दी मेल्ट हो जाता है ना, तो उसको हम पैन पर थोड़ा फैला देंगे। तो अब आई बारी फाइनली जैगरी की। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये लीजिएगा, मैंने जैगरी डाल दिया और अब मैं इसको थोड़ा मिक्स करूंगी। और हाँ, सेम टाइम के लिए, जितना हमने तिल को रोस्ट किया था ना, उतना ही 2 to 3 मिनट्स के लिए हमको इसको पकाना है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। फाइनली गाइज, मैंने इतने दिनों के बाद वीडियो बनाई। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आई थिंक ये बन भी गया। तो इसको ना ज़्यादा थिक चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो हमारे लड्डू बहुत हार्ड बन जाएंगे। तो इसकी ना एक ट्रिक है पता लगाने की कि कैसे ये पक गया या नहीं पक गया। तो ना हम एक बाउल में पानी लेंगे, तो ना उसको ना इसमें ना डालेंगे, रुक जाओ, इसमें डालेंगे। ये देखिए, अगर ये फैला नहीं तो इसका मतलब ये रेडी है। तो अब मैं तिल डालूंगी इसके अंदर, रोस्टेड वाला जो हमने रोस्ट किया था ना।
कर दूंगी। अब हम इसको फटाफट मिक्स करेंगे और हमको लड्डू गरम गरम नहीं बनाना है, ठंडे ठंडे में नहीं। अब हम कोपरा पाउडर डालेंगे। और हाँ, मैं ये वापस से रिपीट कर रही हूँ कि हम ना लड्डू को गरम गरम ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, अब हमारा मिक्सचर भी रेडी हो गया है और लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और इसमें मेरी मम्मा हेल्प करेगी। मेरी मम्मा, प्लीज कैन यू कम टू हेल्प मी? श्योर, वन मिनट। थैंक यू मम्मा। लीजिएगा, मेरा जैगरी का मिक्सचर तैयार हो गया। और हाँ, जैसे कि मैंने इसमें खोपरा डाला है, आपको जैसे कि इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, जो भी हो आपको डालना है आप डाल सकते हैं, पर पर्सनली मुझे सिर्फ खोपरा पसंद है इसमें, तो ये आपकी मर्जी है। तो चलो, अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए हाथ में हम थोड़ा सा घी लेंगे और हाथ को मलेंगे, ठीक है। और फिर उसको ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। मैं कितनी खुश हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम लड्डू बनाया, मेरा मिनी लड्डू तैयार हो गया। कितना क्यूट लग रहा है, वाओ। और हाँ, मैं सॉरी यार, मैं ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि ये भूख के हैं लड्डू। तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी कि ये कैसे बने थे। ऐसे हम फटाफट से बहुत सारे और लड्डू बना लेते हैं। और लीजिएगा, हमारे स्वादिष्ट और डिलीशियस लड्डू बन गए हैं। यार, खाने का मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, पूजा के बाद तो मैं ही खाऊंगी सारे, मैंने ही तो बनाया है। हाँ, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, हेल्दी और सिंपल। बाय, थैंक यू।